नाथ ने भी पर्चा दाखिल किया है, उसके बाद क्या मतदाताओं का मूड बदला है, हर एक खबर का हम विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो 24 जनवरी को हमने पोल किया था उसके मुताबिक 102 सीटें पूर्वांचल के भीतर, और तब उस दौरान 53 से 59 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही थी, जबकि 39 से 45 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही थी। ये आज हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें डिफरेंस आया है, क्या कोई परिवर्तन हुआ है या फिर स्थिति वैसी की वैसी ही है, जबकि बीएसपी को 2 से 5 सीटें जाने की संभावना उस दौरान जाहिर की जा रही थी जब 24 जनवरी को हमने ओपिनियन पोल दिखाया था, जबकि कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया था। तो ये पूर्वांचल की 102 सीटें और आदर्श के खाते में 1 से 3 सीटें जाने की आशंका जाहिर की गई थी उस दौरान जब 24 जनवरी का ओपिनियन पोल हमारी सर्वे टीम ने किया था। और अब आपको वोट शेयर भी बता देते हैं, ये हमने आपको बता दिया कि कितनी सीटें किसको जाती हुई नजर आई थी, लेकिन वोट शेयर भी आप समझिए 39% बीजेपी प्लस, यानी कि बीजेपी गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन निषाद पार्टी और अपना दल के साथ हुआ है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 36%। तो क्या वोट